आते ही फर्स्ट साइट आप देखो ये दिखती है, और इससे ज़्यादा सुंदर क्या होगा। आई थिंक डेजर्ट के अंदर, यहाँ पे बाहर पूरी डेजर्ट है और डेजर्ट के अंदर इन्होंने इतना ब्यूटीफुल एक गार्डन बना रखा है, इट्स जस्ट लवली टू सी। सो गाइस, आज है लास्ट डे मेरा दुबई में इस ट्रिप का। आज मेरी फ्लाइट है और अभी मैंने मिरेकल गार्डन ग्लोबल विलेज जो डेजर्ट सफारी नहीं किया है। डेजर्ट सफारी इसलिए नहीं की है क्योंकि मेरे को अकेले जाते हुए थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वो दुबई से कुछ 100 किलोमीटर दूर रहती है। ग्लोबल विलेज इसलिए नहीं किया क्योंकि वो भी दूर है, इवनिंग में मेरा कुछ ऑफिशियल काम था, तो नहीं तो कल वो शेड्यूल था। और ग्लोबल विलेज खुलता अभी 4 o'clock है, नहीं तो मैं अभी सुबह कर आती। तो बचा मिरेकल गार्डन, तो हम मिरेकल गार्डन जा रहे हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग लेफ्ट जो मैंने अभी तक नहीं देखी है, जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। लोकल चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं, आपने भी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। यहाँ पे आइसक्रीम खाई है इटली की, इधर से मैंने कोई जूस पिया था मैंगो का। फिर आई थी जब नई नई, तो मैंने डे वन पे फलाफल खाया था। अब देखो आज क्या क्या करती हूँ मैं, बट अभी तो यही प्लान है। मैं आ गई हूँ मेट्रो में, और मेट्रो से मैं जाऊँगी मॉल ऑफ एमिरेट्स। मॉल ऑफ एमिरेट्स से मेरे को मिलेगी बस जो कि डायरेक्टली जाएगी मिरेकल गार्डन। तो मेरे पास ये मेट्रो कार्ड है और अब मैं जा रही हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स। मैं एक मेट्रो स्टेशन गलत आ गई, उल्टी मेट्रो में बैठ गई थी। पहले मैं सीधी में गई, तो मेरे को किसी ने कहा कि नहीं यार आप ऑपोजिट डायरेक्शन वाली लो। फाइनली आई एम इन द राइट मेट्रो। المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The next station is Emirates Town. But baby, all I know is that I want you here under the mistletoe. We know that months flew by, now you're a part of me. You are my only wish under the Christmas tree. All I want is that the year ends like it started, nothing else matters. Finally found the bus which is going to Miracle Garden, and we can just tap our metro card in the same bus and it will take us to the Miracle Garden. It's already 10:40, so I'll just wind up jaldi jaldi se and come back on time. Shooting star, look back at where we were. Now I'm so glad we're here. It took us all this time, but Christmas time is here. I have reached the Miracle Garden and I came via this bus. I dropped at Mall of Emirates and then I took this bus and I came to Miracle Garden. Now I'll just quickly spend half an hour and I'll go back. I have reached Dubai's Miracle Garden and it's just a pleasant surprise for the eyes and the mind. इतना beautiful है ये, आते ही first sight आप देखो ये दिखती है, और इससे ज़्यादा सुंदर क्या होगा। I think desert के अंदर, यहाँ पे बाहर पूरी desert है और desert के अंदर इन्होंने इतना beautiful एक garden बना रखा है, it's just lovely to see the effort Dubai does to keep nature and it's so beautiful. I mean everything over here is just lovely.
सो आई एम हियर एट दुबई मिरेकल गार्डन और यहाँ पे हर तरह के फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पे पहले आना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव कम ऑन द लास्ट डे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एमिरेट्स के बहुत बड़े प्लेन को पूरा फ्लावर से कवर कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया बना रखा है और ये सिटिंग पॉड्स बना रखे हैं विच आर कवर्ड विद फ्लावर्स ऑल ओवर। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इतने सुंदर फ्लावर्स से सारे ये पॉड्स कवर रखे हुए हैं, पूरा ग्रीन ब्लूइश पर्पल जो है ये कलर इससे पूरा बना रखी है। कैसे दिन अपनी पूरी है मेरे पीछे इन्होंने इतना बड़ा जीनी बना रखा है और साथ में जीनी का लैम्प। इजंट इट जस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे इतनी धूप थी तो मैंने कहा यहाँ पे एक जूस और उसकी मील ले लेती हूँ। तो आई हैव टेकन द मील विद फ्राइज एंड ड्रिंक, तो आई सी व्हाट दे हैव। अब मैंने जल्दी जल्दी सारा देख लिया है, अब मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि मेरे को फ्लाइट भी कैच करनी है, एयरपोर्ट भी निकलना है। तो मैं जल्दी से यहाँ से जाती हूँ सेइंग गुड बाय टू मिरेकल गार्डन। लकीली मुझे बस भी टाइम पे मिल गई है, अब मैं बस यहाँ से जाती हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स के थ्रू घर भागूंगी और निकलूंगी। बारिश के पीछे मेरे बस स्टॉप है मॉल ऑफ एमिरेट्स का, बस ने मेरे को यहाँ पे उतार दिया है। अब मैं बस यहाँ से शर्वक डीजी मेट्रो स्टेशन जाऊंगी वहाँ से घर। अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, पर बात यह है कि मैंने ना कल एक बैग देखा था, ट्रॉली बैग, तो वो ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट की वॉक है, तो अगर वो मिलता है तो मैं वो ले लेती हूँ। मिल तो जाएगा, बात यह है कि वो मेरे को चेक करना पड़ेगा
कि कितना स्टर्डी है कितना नहीं। और अभी मेरे पास 2-2.5 घंटे हैं, पर बाहर इतनी गर्मी है तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पर चलो ठीक है, अब ये एक तरह से लास्ट ही है ना मेरा जो भी है 1-2 घंटे, तो अब मैं देख लेती हूँ बैग कैसा है, अगर सही लगता है तो पहले आबरा के लिए मैं ये अल गबीबा करके कोई है मेट्रो स्टेशन वहाँ तक आई हूँ। अब यहाँ से एस्केलेटर लेके ऊपर जाऊँगी, तो ये एस्केलेटर्स मेरे को सीधा आबरा में छोड़ देंगे, वहीं पे वो बैग है, देखते हैं। दिस इज़ अगेन ओल्ड दुबई, पूरा हेरिटेज दुबई है ये, बहुत ही एंशियंट टाइप लुक आती है, बट येट इट्स वेरी चार्मिंग इन इट्स ओन वे। यहाँ पे बाहर धूप है तो इन्होंने शैडो के लिए ऊपर ये लगा रखे हैं। सामने मेरे आबरा है, आबरा बेसिकली ये बोलते हैं जो इन्होंने सी वाटर अंदर ले रखा है एज अ पार्ट ऑफ कैनाल, जिससे ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन साइड ऑफ सिटी टू अनदर, सो दैट इज़ आबरा। यहाँ पे अभी तो कहते हैं कि समर शुरू नहीं हुई है, समर शुरू होंगी तो क्या हाल होगा, इट्स बियॉन्ड मी। एक और चीज़ है यहाँ पे जो मैं ऑलमोस्ट पूरी ट्रिप पे अपने आप से सोचती हूँ कि जैसे इंडिया में डॉग्स होते हैं हर जगह, वैसे यहाँ पे हर पॉइंट पे कैट मिलेगी आपको, छोटी सी कैट कहीं से भी आ जाती है। जैसे इंडिया में कबूतर होते हैं, यहाँ पे सीगल्स इतनी होती हैं, इस साइड में कबूतर भी बहुत हैं सीगल्स भी बहुत हैं, और डॉग्स की जगह यहाँ पे छोटी छोटी कैट्स होती हैं जो बहुत ही लविंग सी होती हैं, ऐसे डरावनी नहीं होती हैं।